सोलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है लव कौशिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अनबॉक्सर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये जो वीडियो है आप लोग टाइटल पढ़ के आए होंगे। मैं बार बार ये बोलता हूँ, मुझे पता नहीं आजकल अजीब लगता है बोलने में कि आप लोग टाइटल पढ़ के आए होंगे, आप लोग टाइटल पढ़ के आए होंगे, क्योंकि यार हर कोई टाइटल पढ़ के आता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये बहुत ज्यादा लोगों ने मुझे बनाने के लिए बोला था कि यार अपने एक बुक टूर दो, अपना बुक शेल्फ का टूर दो। ये जो बुक शेल्फ आपको मेरे पीछे दिख रहा है, ये मैंने अभी ही खरीदा है कुछ 2 से 3 दिन पहले। ऑन 19 नवंबर इट वॉज माई बर्थडे, तो ये मुझे गिफ्ट करा था मेरे पेरेंट्स ने। इसका एक टूर दूंगा मैं आपको और बताऊंगा कितनी बुक्स है मेरे पास। फिलहाल ज्यादा नहीं है, तो प्लीज कमेंट्स में ये सब मत बोलना कि यार इतनी बुक्स तो है नहीं तेरे पास, फिर भी तू क्यों फालतू का टूर दे रहे। मैं फिर भी अपनी खुशी के लिए और आप लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए कि हाँ मेरे पास इतनी बुक मौजूद है, तो इसलिए एक बुक टूर दूंगा छोटा सा। तो प्लीज इसको अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो जरूर बताना मुझे कमेंट्स में। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हूं, मैं आपको छोटा सा टूर जल्दी ही दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरे जो दो ऊपर के शेल्फ हैं ये मेरे, और नीचे वाला जो वो मम्मी ने पहले हड़प लिया कि भाई नीचे वाला शेल्फ तो मेरे ही होगा और मैं उसमें अपनी चीजें रखूंगी, जैसे कि हर बार करती हैं मम्मी। और ये ऊपर के दो शेल्फ हैं, इनका मैं एक छोटा टूर दे देता हूँ कि कौन सी बुक्स हैं। वैसे आपको दिख रहा होगा ऊपर हैरी पॉटर सेक्शन है, फिर भी आपको थोड़ा पास से मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो एक बार ये मैं फुल व्यू दिखा रहा हूँ, अब मैं दिखाता हूँ आपके पास आपको पास का व्यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जैसे कि मैं हैरी पॉटर को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने अपना पहला शेल्फ जो है वो हैरी पॉटर को समर्पित कर दिया है, उसको दे दिया। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जो अभी मैंने अनबॉक्स करी थी न्यूली बुक्स, जो कि वो थी हैरी पॉटर का कलेक्शन पूरा, जो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बुक्स, और ये 8th हैरी पॉटर एंड द कर्स शेल्फ जो कि मैंने पहले ही अनबॉक्स कर दी थी। और ये मेरे पास जो हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन की 2 कॉपीज हैं, एक कॉपी मेरा दोस्त ले गया पढ़ने के लिए और एक नई वाली मैंने अपने पास रख रखी। तो आप साइड में आओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉक्स पड़ा है हैरी पॉटर का, जो कि मैंने सोचा कि उस पर जो पीछे हॉगवर्ड्स है वो अगर मैं यहाँ पर सजा कर रख दूँ तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक का पंख है ये, जो मैं कहीं गया था तो मुझे मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यहाँ पर रख दें तो ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसको यहीं पर रख दिया। सो फ्रेंड्स, ये जो बुक्स है आपको जैसे कि देख सकते हैं, ये फैंटेस्टिक बीस्ट्स एंड द क्राइम्स ऑफ ग्रिंडेलवाल्ड का ओरिजिनल स्क्रीन प्ले है। यस, मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक तो मैंने जब ये रिलीज हुई थी तभी खरीद ली और एक मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है, दैट्स व्हाई मैंने वापस। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो है हैरी पॉटर एंड डेडली हॉलोस का फर्स्ट एडिशन है, जिसकी मैंने पेपर बॉम्बे से खरीदा था और जिसका शायद मैंने आपको दिखा दिया था, पॉपअप हो रहा होगा, लिंक आप जाके वहां पे देख सकते हैं। फिर आगे आते तो ये द कैजुअल वैकेंसी जेके रॉलिंग लिखी है। वैसे इस बुक को मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है सीरियसली, क्योंकि मुझे इसको वाइब्स ही नहीं आती पढ़ने की, पता नहीं क्यों। ये बहुत टाइम से मैंने खरीदी रखी हुई है, इनिशियल डेज पे खरीद ली पर पता नहीं क्यों मैंने इसके 2-3 पेज पढ़े थे पर मैंने इसको आगे कंटिन्यू कर पाया। और फिर ये जो 2 डायरीज इसके अंदर मैं थोड़ी नोट्स वोट्स लिखता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हो गई फर्स्ट चाइल्ड की बात, अब सेकंड चाइल्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड शेल्फ है जिसके इस साइड मैंने सारी स्टोरी बुक्स रखी हुई है, जितनी भी स्टोरी बुक्स है मेरे पास। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं द कैचर इन द राय, एक बार आपको अगर याद हो बुक फेयर था, फर्स्ट बुक फेयर पे जब मैं गया था वहां से मैं द कैचर इन द राय लाया था। द इनविजिबल मैन ये भी मैंने इनिशियल डेज पर खरीदी थी पर मैंने इसको आज से कम्प्लीट नहीं करा। द कैंटेबल गोस इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी दोनों अवेलेबल है अपने चैनल पर। द लिटिल प्रिंस इसकी अनबॉक्सिंग अवेलेबल है, इसकी रिव्यू मैंने अभी तक नहीं करी पर इसको पढ़ लिया है, बहुत अच्छी बुक है। रिव्यू में बताऊंगा कि ये बुक मुझे कैसी लगी, सीरियसली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसको पढ़ने का। अर्थला अभी चल रही है, अभी फिलहाल मैंने पढ़ी नहीं। फ्रेंड्स, ये जो बुक है इसको मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये जो बुक है जेरेनोवा स्टिल्टन द हंट फॉर द क्यूरियस सीज, इसको मैं सबसे बड़ी गलती मानता हूँ अभी तक की अपनी, बिकॉज मैंने इसको पता नहीं क्यों खरीद लिया था और मैंने सीरियसली इसको बहुत ज्यादा दाम में खरीदा। मैंने इसको 500 रुपये के अंदर खरीदा इस बुक को, हार्ड कवर है लेकिन मुझे इसको पढ़ने का ये है तो हार्ड कवर, लेकिन मुझे इसको पढ़ने का आज तक बिल्कुल मन नहीं करा है। थोड़ी बहुत पढ़ी थी लेकिन ये बच्चों के टाइप की बुक्स है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं मैंने उसको क्यों खरीदा। फिर आगे बढ़ते तो ये जो बुक है ये गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स रस्किन बॉन्ड की, जो कि अभी मैंने न्यूली अभी खरीदी है कुछ टाइम पहले, इसकी अनबॉक्सिंग भी करी थी और बताया था आप लोगों की कैसी बुक है। और यहाँ पे एक छोटी सी पतली सी कॉमिक बुक है जो कि मैंने बहुत टाइम पहले ही खरीदी थी और ये मैंने पढ़ भी रखी है, छोटी सी कॉमिक बुक है इसलिए मैंने इसको यहीं डाल दी। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जिसको मैंने आधी पढ़ करके छोड़ दिया बिकॉज मुझे सीरियसली इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा। यह है भारत को जानो करके एक बुक है, आई डोंट नो कब खरीदी थी पर मैं छोटा था शायद, और इसके अंदर काफ़ी अच्छी चीज लिखी हुई है भारत के बारे में कि यहाँ पर कैसी कैसी संस्कृतिज होती है एंड बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई भारत के बारे में। तो ये बुक एक अच्छी बुक है, मैंने इसको पढ़ा था। जो बुक है ये है ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकिंस की, ये काफ़ी अच्छी स्टोरी बुक है, मैंने पढ़ रखी है और काफ़ी अच्छी बुक है। यह है अगली द ग्रेट गाइड्स भी, इसको मैंने अभी नहीं पढ़ा लेकिन काफ़ी रिनाउंड बुक है तो इसको भी ज़रूर पढ़ूंगा और बताऊंगा कैसी लगी। उसके बाद में एक पतली सी बुक और रखी है यहाँ पे जिसका नाम है एज अ मैन थिंक इट,
जो कि जेम्स एलिन की है और ये एक सेल्फ हेल्प बुक है। ओ शिट, तो फिर इसको यहाँ क्यों रख रखी है, इसको मुझे रखना चाहिए था अपने सेल्फ हेल्प सेक्शन में जो कि वहाँ है। और ये है मेरा सेल्फ हेल्प सेक्शन, और आपको जैसे कि पता ही होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं कि मुझे सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत अच्छी लगती है। सीरियसली मैं स्टोरी बुक्स को इतना प्रेफर नहीं करता हूँ, वैसे हैरी पॉटर अलग ही हो गया लेकिन सेल्फ हेल्प की भी बात अलग है, बिकॉज मुझे सेल्फ हेल्प पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मुझे इनसे ऑब्जर्व करना और उसको अप्लाई करना जिंदगी के अंदर बहुत पसंद है। तो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स के पास आते हैं, तो मेरे पास जो है द अल्केमिस्ट, तो मैंने आप मानेंगे नहीं, मैंने इसके दो पेपर बैग खरीदे थे, एक का मैंने गिव अवे कर दिया था और एक जो मेरे पास थी वो मैंने अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया, हाँ ऐसे कुछ कर दिया। फिर मैंने इसका हार्ड कवर खरीदा एडिशन, जो कि मुझे सीरियसली बहुत टाइम से चाहिए था, और इसको मैं अब खोल के नहीं खोलता हूँ बिकॉज इसको मैं चाहता हूँ कि मैं संभाल के रखूँ अपने पास में। फ्रेंड्स इसके बाद मैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय टेड कार्नेगी, इसको भी मैं लाया था बुक फेयर से। फ्रेंड्स इसके बाद जो बुक है उसका नाम है स्टार्ट विथ वाई, ये जो बुक है ये बहुत रैंडम बुक थी, इसकी मैंने ना अनबॉक्सिंग करी ना रिव्यू दिया है और ना अभी तक पढ़ा है, बिकॉज इस बुक को मैंने बीच में ही ऐसे खरीद लिया था क्योंकि मुझे बुक खरीदने का बहुत चुल मच रही। इसके बाद है फ्रेंड्स थिंक एंड ग्रो रिच, जो कि नेपोलियन हिल की है, इसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा अगर आप बुक्स पढ़ते हैं, बिकॉज ये बहुत रिनाउंड बुक है। और ये मैंने अभी पढ़ी नहीं है बिकॉज कहते हैं कि नेपोलियन हिल का ये 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो लेट्स वाई मैंने अभी इसको नहीं पढ़ा है। इसके बाद है फ्रेंड्स द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक है और इसको मैंने पढ़ रखा है और आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा जरूर पढ़ना इसको। फ्रेंड्स इसके बाद है कनेक्ट द डॉट्स रश्मि बंसल की, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बुक है पूरी में। उसके बाद है क्रैकिंग द कोड, और फ्रेंड्स ये जो बुक है क्रैकिंग द कोड ये आयुष्मान खुराना की बायोपिक है, जो कि बॉलीवुड एक्टर हैं और मेरे फेवरेट एक्टर में से एक आते हैं, तो इसलिए मैंने इनकी स्ट्रगल लाइफ देखने के लिए पढ़ने के लिए इस बुक को खरीद लिया, जो कि इन्होंने और इनकी जो वाइफ है ताहिरा कश्यप उन्होंने मिलकर के ये बुक लिखी है, दैट्स व्हाई मैंने इसको खरीद लिया। और उसके बाद जो बुक है इसका नाम है एटीट्यूड्स एवरीथिंग, जेफ केलर की बुक है। इस बुक को मैंने आधे से ज्यादा पढ़ रखा है और बीच में मैंने अभी इसको स्किप कर दिया था बिकॉज मुझे बीच में ही थोड़ा स्टोरी बुक्स पढ़ने का मन कर रहा था, तो इसको मैंने स्किप कर दिया था बीच में। बाकी बुक बहुत अच्छी है, आप खरीदो जरूर खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद जो बुक है उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामी विवेकानंद की एक तरीके से आप बायोपिक मान लीजिए, या फिर इन्होंने ये बुक लिखी है और इसके अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं जिससे आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद एज अ मैन थिंक, जो कि मैंने वहां से यहाँ ट्रांसफर करी है। फिर इसके बाद है रॉबिन शर्मा की द मंगू सोल्जर्स फरारी। उसके बाद है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग का एफ स्टार सी के। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बीच में क्या रखा हुआ है, ये मेरी बचपन की ड्राइंग बुक है जिसके अंदर मैंने पोकेमोन की ड्राइंग्स बहुत बनाता था मैं बचपन में। अब मैं आपको एक दो ड्राइंग्स दिखाऊं, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ड्राइंग बुक को मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी और मैंने इनमें ड्राइंग बनाई पोकेमोन की और बहुत सारी ड्राइंग्स है इसके अंदर, तो मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है अपने पास। तो अपने बुक शेल्फ की और एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे गिफ्ट करा था मेरे बर्थडे पे, वो ये है जो कि एक शर्ट है बुक्स अनबॉक्सर की, आप जैसे कि देख सकते हैं, और पीछे जो है लोगो दे रखा है इसका। और ये शर्ट सीरियसली मुझे बहुत पसंद आई जब उन लोगों ने मुझे एकदम से गिफ्ट करा सरप्राइजिंगली। गिफ्ट है मेरा, आप कितनी खुशी है, थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट। तो फ्रेंड्स ये जो था ये मेरा एक छोटा सा बुक शेल्फ का वीडियो था, जो कि अगर आप बुक लवर हैं और बुक्स पढ़ते हो तो आई होप सो कि आपको जरूर पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, बाय।